अरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, देखिए क्या हालत हुआ है बारिश के कारण। सिर्फ देखिए पूरा दिन भर जो सुबह जब उठी हूँ और जो बारिश हो रही है एकदम, देखिए बारिश से क्या हालत हुआ है। हेलो दोस्त, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों अभी हो रहा है सुबह, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी करने। तो हमारे तरफ धुसका पपड़ी ये सब बहुत फेमस है झारखंड में, तो आज मैं बनाऊंगी धुसका। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। दोस्तों देखिए अच्छा लगे तो कमेंट्स लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना, ये थोड़ा अंधेरा है, ये मेरे भैया का ऑफिस वाला घर है। वो जो आपने देखा वो हमारा, मतलब उसमें मम्मी पापा रहते हैं, उन लोग का सारा रहता है। अब भाई इसमें सिर्फ भैया का ऑफिस का ही सारा कुछ रहता है, मतलब सारा है अरेंजमेंट, किचन वगैरह सब कुछ। जैसे आदमी वगैरह रहते हैं भैया के, तो वो लोग खाना वाना बना के अपना खा लो, ये कर लो। और ये भैया का ही है पूरा सब कुछ, ये ऑफिस है पूरा उसका, अंदर भी है एक रूम, उसमें भी ऑफिस है उसका। दोस्तों कभी फ्री फुर्सत में दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है चावल दाल, इसमें बस एक मुट्ठी उड़द का दाल है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक मुट्ठा बस उड़द का दाल है, बाकी 2 कप चावल है और 1 कप वो चने का दाल है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ी देर फुला करके फिर धो करके अच्छे से साफ करके, और इसको मैंने छान करके ले लिया है दोस्तों। अब इसमें देखिए जीरा लहसुन और मिर्चा है दोस्तों, ये मसाले के लिए इसमें, मतलब इसमें डलेगा दोस्तों। तो ये सब मैं ये सब का बैटर पीस करके तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली इसका बैटर बन के हो गया है रेडी। मैंने सबका सारा चीज का जो जो आपको दिखाया था वो सबका बैटर और मसाला जीरा लहसुन मिर्चा भी पीस के डाल दिया है। और देखिए ऊपर से इसमें हल्दी और जीरा खड़ा थोड़ा सा और नमक स्वाद अनुसार डाल करके, और इसको खूब फेंटना होता है। जैसे आप लोग बड़े बनाते हो ना, तो कैसे इसको पूरा मिलाते हो, उसी तरह से इसको मिलाना होगा दोस्तों। फिर इसको मिला उला करके तब हम लोग तेल में इसको तलेंगे, जैसे पुए वगैरह तलते हैं। दिखाती हूँ दोस्तों, आप लोग लाइन पे बने रहो। और देखो दोस्तों इसमें खाने के लिए मैं बना रही हूँ, देखो आलू बॉईल करके रखा है मैंने, प्याज काटा हुआ है, मिर्ची काटना है, और इसमें टमाटर पड़ेगा और आलू, चने की सब्जी इसमें बहुत अच्छी लगती है। चने को भी मैंने बॉयल करके रख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बनाऊंगी इसमें आलू चने की सब्जी, आप लोग लाइन पे बने रहो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है दोस्तों। आलू चना बनाने के लिए मैंने लिया है कुकर, ये देखिए दोस्तों कुकर में जाएगा तेल। नहीं मम्मी पौना नहीं है, मैंने तेल डाल दिया है दोस्तों। अब तेल मेरा गर्म हो रहा है, अब मैं इस पर फोरन डालूंगी। फोरन के लिए थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा, ये
इसमें ज्यादा सूखा मिर्चा कहीं फोरन अच्छा लगता है आलू चने में दोस्तों। हाँ सिलौरी दे दिले हमका कोई दिन ना दिले हैं जो मैया कह दिले जो मैया फोड़ देते हैं तो दे दिले हैं। अरे वो दुबार निकल रही है फिर मका और एक डब्बा में फोड़न जल चुका है। अब इसमें जाएगा प्याज डालते दोस्तों इसे फ्राई करेंगे उसके बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइन पे बने रहे। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों चना हो रहा है फ्राई हो चुका है फ्राई। इसमें मैंने अभी सिर्फ नमक डाला है टमाटर और ये थोड़ा सा फ्राई हो गया दोस्तों। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चना ले लिया है भुना हुआ और जीरा लहसुन मिर्चा मसाले में और बस इसे पीस लेना है दोस्तों। उसके बाद ये सब्जी में डलेगा। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैंने सब्जी कर दी है पैक। अब ये दो तीन सीटी मारेगी मैं उतार दूंगी सब्जी शुरू कर दूंगी। और ये देखिए मैंने सरसों के तेल में से बनाना है सरसों का तेल दोस्तों। सारा बैटर को पूरा फेंट के निभा लिया अच्छे तरह से ऐसा बैटर हम रखेंगे। फिर इस बैटर को मैं इसमें डालूंगी दोस्तों। हो गया रेडी दोस्तों सब्जी भी हो गई हमारी रेडी और इसे बंद कर देती हूँ। इसे निकाल लेती हूँ ऐसा बना। अब आप लोग दोस्तों आ जाइए खाने मैं निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।
कमेंट्स करके बताना कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरा धुसका बनके हो गया है रेडी। कितना फूला फूला खिला खिला बना है दोस्तों। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। अपना ख्याल रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।